हेलो गाइस, तो आप सभी का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा हमारे पुराने वीडियोस को इतना लाइक और प्यार देने के लिए। और गाइस, उम्मीद है कि आप शेयर भी करते होंगे। और हम आपसे मिल चुके हैं एक नए और शानदार ब्लॉग पे, तो आपको अब भी हम लोग एक न्यू लोकेशन पे ले जाएंगे और दिखाते हैं वहाँ पे किस तरह का खूबसूरत सा सीन है और क्या है वहाँ पे। तो हम आपसे मिलते हैं आगे। अपने लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं और आपको ये रास्ता देखिए किस टाइप का है। इस उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए हम आपको नेक्स्ट लोकेशन तक ले जा रहे हैं। और यहाँ का सीन देखिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर खेत देखिए, खेतों में अनाज की फसल बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ी देर में हम लोग मिलते हैं वहाँ पे लोकेशन पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। हम अब अपने लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और चलिए आपको ये लोकेशन दिखाते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जितना भी प्यार दिया हमारे वीडियो को, उसके लिए आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। और आप लोगों ने अभी तक बहुत ही प्यार दिखाया हम सभी को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोज़ देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस कीप सपोर्टिंग, बस आप लोगों का ही प्यार चाहिए हमें अपने वीडियो में। बस आप लोग देखते हैं जिस तरह से अभी तक हमारा वीडियो चल रहा है, उस तरह से बने रखें हमारे वीडियो के साथ और हमें सपोर्ट करें। गाइज, आप लोग को एक और बात बताना है। पता नहीं बहुत लोगों को पता होगा कि नहीं, बट रिवर के उस साइड से गाइज, जो वो एरिया देख रहे हैं आप, जितना भी ग्रीन ग्रीन और उस साइड में है, वो सारा एरिया रामगढ़ में आता है, रामगढ़ ज़िले में। और जब हम रिवर के इस साइड आते हैं, जहां अभी हम खड़े हैं जिस जगह पे, वो जगह हज़ारीबाग ज़िले में आता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये रिवर दो डिस्ट्रिक्ट को बांटता है और एक तरह से ये रिवर बॉर्डर कहलाएगा। और हम जिस पुल से आए थे, वो ही एक रास्ता है इस इन दोनों जगह को कनेक्ट करने का। तो वही पुल से आप आ जा सकते हैं इस जगह पे अगर कभी आए तो, वरना आप रिवर पार करके भी आ सकते हैं। पर रिवर में पानी होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, तो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो रिवर ना ही पार करें तो ज़्यादा भलाई है, पुल से आए सेफ़ रहें और अच्छे से रहें। गाइस, अब हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको मिलते हैं हम एक अगले लोकेशन पे। वहाँ पे देखिए यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल डीवी पब्लिक उरी मारी। तो आपको अब वहाँ के कुछ शॉट्स और सीन दिखाएंगे स्कूल के बारे, तो आपसे वहाँ मिलते हैं। तब तक के लिए तो फ्रेंड्स, अब हम वहाँ पिछले लोकेशन से निकल चुके हैं और हम अपने आगे की लोकेशन पे जा रहे हैं, जो कि स्कूल है, डीवी पब्लिक स्कूल उरी मारी। हम वहाँ पर आपको ले जा रहे हैं, यहाँ का सबसे बड़ा और अच्छा स्कूल है। सो चलिए हमारे साथ वहाँ और स्कूल देखिए कि बच्चों के लिए कितना अच्छा है और
इतना खूबसूरत उसको बनाया गया है स्कूल को, तो आपसे हम वहाँ पे मिलते हैं। गाइज हम अब देवी पहुंचने वाले हैं और बस यहीं पे है, यहाँ से अब हम राइट मुड़ेंगे राइट की ओर, तो देवी स्कूल आ जाएगा आगे चल के। और ये देख सकते हैं आप देवी स्कूल पूरी मारी का बोर्ड, यहाँ से आगे जाएंगे, हमारा लोकेशन हमारा आगे है, देवी स्कूल आगे है। और गाइज बिरसा का ऑफिस यहीं पे है, ये वाला है ऑफिस, यहीं से सारा काम होता है वहाँ का ऑफिशियल पेपर वर्क सारा। और वो देखिए वहाँ पे छो बिल्डिंग दिख रही होगी आपको गुलाबी और पीले में, वही है ये भी पूरी मारी। और चलिए और ये पे सामने जो बना हुआ है ये गाइस विजिटिंग एरिया है, कोई भी अगर बाहर से आता है तो यहीं पे रुकता है जितने देर रुकना हो। गाइज हम तो स्कूल पहुंच गए हैं, और वैसे तो लॉकडाउन के कारण सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है, तो ये भी बंद है सेफ्टी को नज़र में रखते हुए। तो अभी हमारा एक साथी गया हुआ अंदर पूछने के लिए कि क्या हम स्कूल में आके अभी वीडियो बना सकते हैं, उम्मीद तो यही है कि गाइज हमें मिल जाएगा वीडियो बनाने। तो चलिए कम से कम गेट के अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसका सामने का व्यू किस टाइप का है, ग्राउंड सामने का। तो चलिए चलिए गाइस चलते हैं। तो चलिए गाइस हाय गाइस, हम लोग डेवी के अंदर हैं और मतलब काफ़ी सालों से यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन जो नए प्रिंसिपल आए हैं उत्तम कुमार रॉय सर, वो काफ़ी कुछ यहाँ किए हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू कैंटीन है और देखिए यहाँ पे पहले टंकी था बट अभी सर कुछ और बनवा रहे हैं। और ये मेन गेट है ऑफिस का और ये ग्राउंड है, यहाँ पे असेंबली ग्राउंड है ये। और काफ़ी मतलब पहले से स्कूल काफ़ी चेंज है, आपको अगर पहले का फ़ोटो देखना होगा ना तो आप पहचान ही नहीं पाओगे स्कूल को हमारे, मतलब स्कूल बहुत खूबसूरत हो चुका है, पहले इतना हरियाली नहीं था लेकिन अब हरियाली है। और बहुत मतलब स्कूल में इतना चेंजिंग है, इतना चेंजिंग है कि आपको सोच नहीं सकते, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो आगे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मेन गेट एंट्रेंस गेट है, यहाँ से अंदर जाते बच्चे लोग, ठीक है। ये ऑफिस का गेट है और पीछे ग्राउंड है, ये यहाँ पे असेंबली शुरू होता है, मैं दिखाता हूँ पीछे का व्यू आपको। स्कूल बंद होने के कारण काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल गया है, देख सकते हैं काफ़ी हरियाली हो गई है, जबकि यहाँ पे ग्राउंड होता है। ये पीछे का व्यू है आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये असेंबली का ग्राउंड है, यहाँ से स्टेज से आदमी ऊपर चढ़ते हैं सब बच्चे लोग, अपना स्कूल है। ये असेंबली का ग्राउंड है, देख रहे हैं ये पेड़ काफ़ी दिनों से मतलब इसको छाटा जाता है ताकि बच्चे लोग अच्छे से खड़े रह पाएँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये पेड़। और काफ़ी सर यहाँ पे काम करवा रहे हैं, उत्तम कुमार हमारे सर हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये फ्लैग वेस्टिंग का है, ठीक है। Thank you.
गाइस आज का वीडियो हमारा यहीं पर था, यही ब्लॉग था हमारा आज का डीएवी पर, और वहाँ पे पूरी हमारी हज़ारीबाग वाला आपको नदी दिखाना था जो मिलता है जाके दामोदर से। तो आज का ब्लॉग हमारा यही था, और गाइस अगर आप अभी भी वीडियो में हमारे बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ, और अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो वो भी हमें बताएं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें वीडियो में कैसे सुधार लाना। सो गाइस प्लीज़ 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 हमारे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमें बताएं कि हम किस तरह से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने वीडियो में। और तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।